हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी गोरास, जहाँ पे मैं और चार्ल्स, जो दोनों ही नॉन इंडियंस हैं लेकिन हमारे हिंदी बोलते हैं और दोनों इंडिया से बहुत दोस्ती रखते हैं और रिश्ता रखते हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही एक खास मेहमान है, जिनको आपने शायद देखे होंगे, शायद नहीं, आप देखे होंगे, क्योंकि वो कुछ 100 फिल्मों की ऊपर और मूवीज और टेलीविजन सीरियल्स के ऊपर एक्टर रह चुके हैं। तो विदाउट फर्दर एडियू मैं उनको बुलाना चाहूंगा। नागेश जी, हेलो, वेलकम, नमस्कार नमस्कार, कैसा चल रहा है? जीवन। अभी थोड़ा वापस दोबारा से सेकेंड इनिंग में कोविड के बाद धीरे धीरे शुरू हो रहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। तो नागेश जी, मैं देख रहा था आप तो कोई ये मैं इंट्रोडक्शन में बोलना चाहता था कि कोई इंसान जब कुछ 100 प्रोजेक्ट्स अभी तक कर चुके होंगे, उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी होना ही चाहिए, और डायरेक्टर्स की फेवरेट ही होंगे आप, क्योंकि आपको फिर से बुलाते जाते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और हम शुरू करते हैं शुरू से। आप थोड़े अपने चाइल्डहुड के बारे में हमें बताइए, आप कहाँ पे बॉर्न हुए हैं और वहां से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में महाराष्ट्र में देर इज अ स्टेट कॉल्ड महाराष्ट्र, और आपको पता है। और महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको हम विदर्भ कहते हैं, एक एरिया है जो और विदर्भ में एक शहर है नागपुर। तो नागपुर जो है वो पहले मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, अच्छा, उसके बाद वो महाराष्ट्र में शामिल हुआ और फिर वो मराठी हो गया। तो अब मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं कि एक तो मेरा जन्म नागपुर से है और चूंकि मैं नागपुर में पैदा हुआ हूं इसलिए मेरी हिंदी जो है वो मराठियों की तरह नहीं है, बिल्कुल खालिस शुद्ध हिंदी मेरी होती है, इसलिए क्योंकि मैं नागपुर से हूँ। तो अच्छा मेरा जन्म नागपुर में हुआ और वहीं पर मेरा कॉलेज भी हुआ। फिर वहाँ पर जैसे यहाँ महाराष्ट्र में थिएटर की एक अपनी बड़ी परंपरा है, जी नाटकों की और थिएटर की। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1960 में 1960 में जस्ट एक 12-13 साल बाद ही स्वतंत्रता के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रयास शुरू किया जिसका उन्होंने नाम रखा राज्य नाट्य स्पर्धा, मतलब कि स्टेट थिएटर कंपटीशन। तो उस ये सिर्फ महाराष्ट्र में होता है, इंडिया में और किसी स्टेट में नहीं होता। तो ये जो स्पर्धा है ये हर कस्बे में हर जिले में अपना अपना एक ग्रुप बनाते हैं लोग, एक मंडल बनाते हैं जिसको हम मंडल कहते हैं, और वो एक नाटक बिठाते हैं। दे 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 डिसाइड टू डू अ प्ले, वेदर इट इज न्यू न्यू प्ले राइट इज राइटिंग और इट्स एन ओल्ड, या फिर किसी बड़े नाटककार ने लिखा हुआ नाटक है, तो उसको बिठाते हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं और हर कस्बे में हर जिले में इस मान लीजिए अगर नागपुर का है तो नागपुर में 20 ग्रुप ने वो नाटक पेश किया, 20 लोगों ने, अच्छा 20 ग्रुप ऑफ पीपल प्लेड डिफरेंट प्लेस। तो उसमें से एक नाटक चुनते हैं और वो फाइनल में आता है और फिर पूरे स्टेट में से एक नाटक फाइनल में आता है, जो कि और उस समय स्टेट कंपटीशन का नाटक बहुत बड़ा माना जाता अच्छा था। व्हेन आई ग्रू अप इन नागपुर तो अभी मुझे भी चल कुछ रहा है, अभी भी चल रहा है अभी भी क्या? चल रहा है सर, अभी अच्छा, जस्ट 20 तारीख को, पिछले महीने के सॉरी 22 तारीख को मैंने उसका उद्घाटन किया। मेरे हाथ से कल्चरल मिनिस्टर थे,
फिर स्टेट मिनिस्टर थे, दो तीन मिनिस्टर थे, और उन्होंने मुझे भी बुलाया था। हमारे यहाँ वो दिया होता है, दिया जी वो जी जलाते जी हैं और उसको दीप प्रज्वलन कहते हैं। तो वो हाँ दीप प्रज्वलन करके मैंने इस साल उसका उद्घाटन किया। तो मैं बड़ा खुश हूं कि जहां से मैं आया हूं, उस स्टेट जिस स्टेट हाँ कंपटीशन से इतने सालों बाद, तो मुझे ये ऑनर मिला कि मैं उसे उस उसका उद्घाटन करूं, उसका ओपनिंग करूं। सो वाह फ्रॉम देयर आई हैव स्टार्टेड माय थिएटर करियर। और फिर तो हुआ ये कि मुझे दो तीन साल कंटिन्यू बेस्ट एक्टर मिल गया, अच्छा स्टेट का सिल्वर अच्छा मेडल मिलता था उस जमाने में। और तो 3 साल बेस्ट एक्टर मिला, तो मुझे लगा कि यार मैं तो एक्टर हूं, तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा है ना। तो ऐसी गलतफहमी मुझे हुई और मैं उस गलतफहमी में बंबई चला आया, और वाह बस उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, पर ये है उसकी शुरुआत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मैं अब लोग को बतलाना चाहता है कि मैं नागेश जी पहली बार कैसे मुलाकात हुआ था। मैं तो अब कोविड था 2 साल, तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले हर साल फिल्म बाजार होता है गोवा में, पणजी में, और मैं बड़ा अच्छा लगता है, मैं हर साल जाता है। तो वहां पर एक विदेशी है, उनका नाम है मेरियन बोगो। वो एक फेमस फ्रेंच एक्ट्रेस है, उसका चाचा कैन्स फिल्म फेस्टिवल शुरू किया, उसका जो लेट हस्बैंड वो बीबीसी का बड़ा प्रोड्यूसर था, तो कमाल आदमी है। तो मैं गोवा में जब भी किसी से मिलता है और वो बताता है कि मुझे कि वो खास आदमी है, तो मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ उनसे, आप मेरियन बोगो को जानता है? अगर वो ना बोला तो मैं समझ गया कि चलो उसको भूल गया। तो मेरियन फिल्म बाजार में बोला, एक खास व्यक्ति आपसे मुलाकात कराएंगे, और वो कौन था? नागेश जी। तब से मैं बहुत अच्छा से नागेश जी से जानता है, और बड़ा अच्छा लगा। और हाँ, उनका काम देखा, वो बहुत मस्त है। तो चलिए, अच्छा, तो आप हम लोग पूछना चाहता है कि ये तो थिएटर और ये सब चीज का, लेकिन आपने खाली थिएटर नहीं, आप एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग और डायरेक्शन तीनों काम किया है ना नागेश जी? हाँ, करता हूं। तो शुरुआत आपने थिएटर से किया, लेकिन आपने स्लोली टेलीविजन में चले गए, उस ट्रांजिशन के बारे में भी आप बताइए कैसा हुआ। सी, मैं मुंबई तो आ गया, लेकिन मैं किसी अमीर घर से हूं नहीं, है ना। तो यहाँ बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो देर वॉज नो सपोर्ट इन मुंबई। और मुंबई एक बड़ी अजीब सी जगह है, आदमी तो सर्वाइव हो जाता है समहाउ, अगर आप कटोरा लेके उसमें चने डाल दो और चौराहे पे बैठ जाओ तो भी आप सर्वाइव हो जाओ। मुंबई इतनी अच्छी जगह है, मेहनत करने वाला सर्वाइव हो जाता है। तो मैं मुंबई आ गया, फिर वो जो एक रेगुलर स्ट्रगल होता है एक्टर का, वो काफी साल चला। फिर मेरी किस्मत अच्छी रही, मैं कोई बहुत बढ़िया एक्टर या बहुत अच्छा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वगैरह, वो सब बाद में। मेरी किस्मत से मुझे कुछ अच्छे थिएटर डायरेक्टर मिले, जैसे डॉक्टर विजया मेहता, पंडित सत्यदेव दुबे, फिर बंसी कौल जी, फिर और भी मुत्यु स्वामी जी के यहाँ जाके मैंने थिएटर किया। तो हुआ ये कि इनके साथ काम करने के बाद, बिकॉज दे वर द स्टॉलवर्ड्स ऑफ थिएटर इन इंडिया, दे वर द बिग बिग पीपल जिनके साथ भारत का हर थिएटर प्रेमी काम करना चाहता था, नाटक प्रेमी जो एक्टर है जो कुछ करना चाहता है अभिनय क्षेत्र में। मुझे मौका मिला किस्मत से, तो मैंने उनके साथ 7 8 9 10 11 साल बिता दिए बगैर किसी 1 रुपया कमाए। पर उसकी वजह से हुआ ये कि मेरे अंदर एक कितना अच्छा एक्टर पैदा हुआ ये मुझे पता नहीं, पर एक ईज आई, एक सहजता आई काम में,
सहजता समझते हैं ना कि एक वो एक एक नेचुरल वे ऑफ बिहेविंग एज एन एक्टर ऑन स्टेज। आपकी हिंदी बहुत ही शुद्ध है भैया, बहुत ही शुद्ध है मेरे लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये पढ़ने को सीखने को भी मिल रहा है अभी। इसलिए हम लोग कंटिन्यू। हाँ हाँ तो वो सहजता, उस सहजता ने मुझे शुरुआती दौर में जो भी काम दिलाया वो लोगों को पसंद आया। और सर्वाइवल एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप जीवन में आपको कुछ भी करना पड़ता है, कम से कम उस वक्त, उस समय, एट दैट मोमेंट यू नीड टू सर्वाइव एंड देन यू डू एनीथिंग। तो एनीथिंग सीरियल कोई बुरी चीज तो थी नहीं, इट वॉज नॉट जस्ट एनीथिंग। ठीक है, उसका एक अपना पैटर्न है जो कि डेली सोप हमारे यहाँ चलते थे सीरियल, बट सीरियल ने मुझे काफी काम दिया और काफी नाम भी दिया। मेरी कुछ मराठी सीरियलें हैं जो जिसने मुझे काफी फेमस बनाया, पॉपुलर बनाया। एक मेरी मराठी सीरियल आती थी दामिनी करके, जिसका पक्या कैरेक्टर किरदार होता था, जिसका नाम था प्रकाश, उसको उसका पेट नेम था पक्या, उसको लोग पक्या कहते हैं। तो पक्या वॉज अ विलन, अब चूंकि मेरे चेहरे पे लिखा है बुरा आदमी तो लोगों ने मुझे बुरे आदमी के किरदार में, मतलब रोल में कास्ट करना शुरू किया। अब वो पक्या का दहशत इतना बैठ गया कि एक दिन मैं मेरे एक मित्र के घर गया, मेरा एक लेखक मित्र था, तो हमारा तय हुआ था कि एक नाटक पढ़ेंगे जो उसने लिखा था। तो मैं उसके घर गया, दरवाजे की बेल बजाई और एक 14-15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने मुझे देखा और जोर से चिल्लाई पक्या कर और बेहोश हो गई, चिल्ला के बेहोश हो गई। तो मैं डर गया, मुझे लगा अरे यार ये क्या हो गया। तो उतने में उसका वो मेरा दोस्त भाग के आया, उसने बोला क्या किया बे? अबे मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, वो तो ऐसे ही चिल्ला के बेहोश हुई है। तो उसको हमने उठा के खटिया पे रखा, उसमें कुछ चेहरे पे पानी वानी डाला तो थोड़ी सी वो शुद्धि उसको आई। और जैसे ही उसने आंखें खोली उसने फिर मुझे देखा और फिर पक्या चिल्लाई और फिर बेहोश हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था पक्या बोल के क्यों बेहोश हो रही, तो मुझे मालूम है मेरा किरदार पक्या। तो मेरा दोस्त मतलब बड़ा उसको पता नहीं क्या लगा, उसने कहा कि यार देख जो भी है पक्या का क्या मतलब है मुझे पता नहीं तूने क्या किया है, लेकिन दोबारा मेरे घर पे मत आ, मेरी बहन डर जाती है। तो ये उस किरदार की दहशत थी। ये आपने बहुत अच्छी बोला जी जी, आपने बहुत अच्छी, ये टाइप कास्टिंग की, और टाइप कास्टिंग के बारे में आप थोड़ा उसकी बारे में मैं भी जानना चाहता था कि जो सारे किरदार जो आप ज्यादातर प्ले करते हैं, सारे यू नो नेगेटिव रोल्स जो बोलना चाहिए, लेकिन एंटागनिस्ट बोल सकते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या है आप शब्द हिंदी का आप बोलिए उसका, तो उसके बारे में कि आप उसको कहते हैं खलनायक, खलनायक, हाँ खलनायक के रोल में आप कैस्ट होते जाते हैं, तो इसके बारे में आपकी फीलिंग्स क्या है कि जब सिनेमा और थिएटर में सब जब एक टाइप कास्ट होता है तो फिर आप उसमें बस शुरू होते हैं, आप बहुत बहुत साल हुए हैं आप सिर्फ वही किरदार प्ले करते हैं, तो उसके बारे में क्या फीलिंग्स है आपकी? पहले तो मैंने बताया कि जैसे कि मेरे चेहरे पे लिखा है बुरा आदमी नहीं नहीं वैसा तो नहीं, शायद वो एक कारण होगा, या फिर अब हमारे यहाँ क्या है कि खलनायक करने में लोग हिचकिचाते हैं, सबको हमारे यहां बनना है हीरो, हीरो बनना, परंतु मुझे हीरो खलनायक इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। मेरे सारे जो खलनायक के या
नेगेटिव किरदार हैं वो ज्यादातर पॉपुलर शायद इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं उन खलनायकों में, उन नेगेटिव किरदारों में आदमी ढूंढता हूं। क्या बात है, क्योंकि हर हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, जो आपको चीज गलत लग रही है वो उसको सही लग रही है, है ना। मतलब आप किसी किसी को टेररिस्ट कहते हैं, जिहादी कहते हैं, लेकिन उसके लिए तो जिहाद है, भगवान का काम है, ये इट्स अ डिफरेंट परसेप्शन। हाँ जी, है ना। तो मैं उस तरह से उस नेगेटिव कैरेक्टर को अक्सर मैंने लिया है कि मुझे औरतों को छेड़ना पसंद है, वो मेरी फितरत है, है ना। मुझे लोगों को मारना अच्छा लगता है, है ना। अब ईदी अमीन भी तो आदमी ही था, पर वो लोगों को मारता था, उनको फ्रिज में मंडियां काट के फ्रिज में रख देता था। सो अब हमारे यहां एक सबसे बड़ा विलन है हमारे पुराणों में, उसका नाम है रावण। अगर आप राम जानते होंगे तो आपको रावण मालूम होना ही चाहिए। अब रावण जो था वो इतना ज्ञानी था, उसने सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद उसको याद थे, कंठस्थ थे। कंठस्थ यानी याद करना, याद जैसे वो लड़की आपको देख के नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। What I'm saying is the Ravan was so knowledgeable. He knew all the Vedas, all the Puranas, and so every and he never touched Sita. He kidnapped Sita, Ram's wife, but he never touched her. You know, and he had 10 दस सिर थे उसके, दस सिर मतलब दस मुंडियां थी उसकी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दस सिर थे उसके। वो सबसे बड़ा ज्ञानी था, उसने शिव को, शिवजी, शिव देर इज अ जी नहीं जानते हैं जी, शंकर भगवान, तो शिवजी को प्रसन्न कैसे किया, उस वो अपना सिर काट के शिवजी की पिंड पे, पिंड होता है ना शिवजी, शिवलिंग, तो शिवलिंग पे रख दिया जी। तो दस बार उसने रखा तो शिवजी प्रकट हुए। तो उसने शिवजी को सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद सुनाए। ही जस्ट रिसाइट ऑल द उपनिषद एंड वेदास एंड ऑल। तो शिवजी सेड कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, एंड ही शिवजी गेव हिम, हमारे यहाँ वर कहते हैं जिसको, वरदान, यानी कि वरदान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मुझे शब्द कोई बात नहीं, आप हिंदी में बोलिए, हिंदी बोलना है, अंग्रेजी भूल जाइए, हिंदी वरदान यानी मैंने आपको वरदान दे दिया कि जाओ तुम कभी मरोगे नहीं। हाँ जी जी। तो शिवजी ने कहा, शिवजी ने उसको कहा कि देव, दानव, यक्ष, इनके हाथों तुम्हें मृत्यु नहीं होगी। तो आई मीन रावण वॉज सो पावरफुल, सो ही बिकम विलन इन रामायण जस्ट बिकॉज ही किडनैप सीता जी, बट अदरवाइज ही वॉज अ ग्रेट मैन। श्रीलंका में जैसे भारत में राम की पूजा होती है, श्रीलंका में रावण की पूजा होती है। सो माय पॉइंट हियर इज हु इज नेगेटिव, विलन कौन है, ये मानना बड़ा मुश्किल है सर। हाँ, सही बात है, आप भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको विलन समझूं जी, तो इसलिए मैंने इसमें कोई भेदभाव नहीं समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ, हीरो या नेगेटिव, मैं बस करता गया, जो मिला वो मैं करता गया। हाँ,
नगेश जी, बहुत मुझे बढ़िया। याद है, नगेश जी मुझे याद है कि आपने मुझे एक बात बताया था, एक छोटी सी कहानी, और मुझे आपको आपसे फिर सुनना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। असली वो था एक अंग्रेज का फिल्म था, होटल मुंबई। हमारा ख्याल, मेरा ख्याल से ये पहले वाला विदेशी वाला फिल्म है जिसमें आप काम किया था। आप उसमें एक, इसके पीछे में एक प्रश्न हो जाता है हर एक बॉलीवुड और हिंदुस्तानी एक्टर कि अंग्रेज हॉलीवुड में कास्टिंग कैसे, काम मिल जाएगा, क्या करेंगे। तो आपने उन लोग, आप कोई विदेशी आपको बुलाया था बॉम्बे में, और आपको कास्टिंग को रोक करना पड़ा होटल मुंबई के लिए, और एक और व्यक्ति भी था। तो प्लीज उसका एक दो मिनट नागेश जी इसके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा वो वाला। मतलब आप जस्ट जब इसका कास्टिंग हुआ था वो? हाँ नहीं, क्योंकि उसमें एक और एक्टर भी आया था ना, उसमें एक और एक्टर भी आया था हिंदुस्तानी, कोई खान आया था। अभी क्या है दरअसल इसमें, अब मैं आपको दो दो छोटे छोटे किस्से सुनाता हूँ। हाँ जी। और होता यह है कि हमारे यहाँ जो फर्क है, हाँ जी, हमारी इंडस्ट्री स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। हाँ, हमारे यहाँ जो स्टार हैं, हाँ, वो चाहे जैसे भी हों, अच्छे हाँ, या बुरे, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। हाँ हाँ ठीक है ना। अगर मैं किसी फिल्म में काम कर रहा हूं और मेरे साथ कोई बड़ा स्टार भी है, तो पहले चाय उसको मिलेगी, बाद में मुझे मिलेगी। तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ है। मैंने ये देखा विदेशों में, जैसे मैंने बहुत साल पहले एक एड की थी रिचर्ड गियर के साथ। अच्छा, रिचर्ड गेट के साथ वीजा की एड की थी, वीजा कार्ड होता है ना। हाँ 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 जी। तो वो यही इंडिया में शूट हुई थी, जोधपुर। अच्छा, हाँ। तो उसके डायरेक्टर थे ऑस्ट्रेलियन। हाँ हाँ। तो जो उसके कास्टिंग के लिए मुझे बुलाया गया, तो मैंने वहां भारत के बड़े बड़े एक्टर देखे। हाँ। जो ऑडिशन के लिए आए हैं। हाँ। बड़े बड़े एक्टर जो, हाँ हाँ हाँ, कुछ एनएसडी के पुराने एक्टर, कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्टर। मैं वहां पहुंचा तो मैंने सोचा यार यहाँ तो अपनी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो काम अपने को मिलेगा नहीं। तो मैं ऑडिशन देके चला। दो दिन बाद वापस मुझे फोन आया कि भाई वो डायरेक्टर साहब आपका वापस ऑडिशन लेना चाहते। तो मैं वापस गया, वापस ऑडिशन दिया। तो उन्होंने कहा मुझे रुक जाइए। तो हुआ ये कि हमारे यहाँ फेमस स्टूडियो करके है बंबई में, ताड़देव में, तो वहां वो ऑडिशन था। तो ऑडिशन के बाद उन्होंने तुरंत किसी से बात कर रहे थे, वो यूएस में फोन पे, अमेरिका में बात कर रहे थे। तो वो मेरा पहला वाला ऑडिशन ऑलरेडी वो भेज चुके थे। अच्छा। ये एजेंसी होगी या कोई होगा पता नहीं, उस समय मुझे पता नहीं था। तो वो झगड़ा कर रहे थे और वो झगड़ा ये कर रहे थे कि बट ही इज करेक्ट इन द कैरेक्टर, व्हाई डू यू वांट टेक अ स्टार फ्रॉम इंडिया। इस बात पे वो झगड़ा कर रहे थे। अच्छा अच्छा। फाइनली उन्होंने मुझे कास्ट किया। बहुत बढ़िया। He fought for me because I look like a character. जो classification है ना, अगर आप को किरदार हैं, तो आपको कास्ट करना चाहिए। फिर उसके लिए कोई भी हमारे यहाँ का बड़ा से बड़ा एक्टर भी आ जाए तो आप नहीं करोगे। ये फितरत, ये स्वभाव हमारे यहाँ के लोगों में नहीं है। जो आप किस्सा कह रहे हो वो भी बिल्कुल सिमिलर है। एंथनी मारस, अ डायरेक्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, who was directing Hotel Mumbai. I met him for my character. He saw a couple of more big Indian actors. Achha. But he said, ke, this is a man I want. Because he looks like that. Jo bhi uska brief hai us character ke bare mein,
he believed ke, no, he is the one. हाँ जी. That's how I have been cast. ड्रामा क्रिएट करना चाहता है. मैं बहुत होशियार हूँ. लेकिन बात आप जो बात अभी बोला है वो बात हम बिल्कुल सहमत बिल्कुल अग्रीमेंट में हो सहमत में हो क्योंकि ये प्रश्न हमको बार बार पूछा है. बहुत सीनियर एक्टर्स भी पूछा है कि उनको विदेशों में भी काम चाहिए, उनको विदेशों फिल्म्स में भी काम करना चाहता है. और अभी जो आप जवाब दिया था वो बहुत सही जवाब है, वो बिल्कुल करेक्ट है. और ये मैं चाहता था कि ये जवाब सुनिएगा. होल्ड ऑन वन मिनट, आई जस्ट वांट टू से समथिंग मोर टू इट. हाँ जी. यू नो व्हाट व्हाट हैपेंड, हिंदी में होटल मुंबई का प्रोड्यूसर, हाँ जी, वन ऑफ द प्रोड्यूसर जो थॉमस, हाँ यू मस्ट बी नोइंग, ही इज एन ही स्टेज देयर इन ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल से सिडनी में एडिलेड में रहता है जी. तो वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट हिज मैसेज, नागेश वी नीड यू फॉर अ कैरेक्टर. जी. अभी वी नीड यू फॉर अ कैरेक्टर मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया. देन उसका वापस तो वापस उसका मैसेज आया कि वी आर डूइंग अ फिल्म कॉल्ड मंकी मैन एंड देव पटेल इज डायरेक्टिंग इट. वाह. तो आई वॉज वेरी हैप्पी के उस प्रोड्यूसर ने वापस दोबारा मुझे बुलाया. और एंड अगेन उसका एक मैसेज आया, दे वांटेड यू टू डू इट. अच्छा, फाइन. बट द कोरोना चल रहा था, कोविड का समय था, तो उधर एक 15 दिन का वहां पहुंच के 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड था और 15 दिन बाद मेरा काम शुरू होना था जी. सो आई हैड टू गिव हिम 25 डेज. अच्छा. और चूंकि जस्ट थोड़ा सा कोरोना कम हुआ तो थोड़ा काम शुरू हुआ तो मैंने कुछ काम ले लिया, तो मेरे पास समय नहीं था. तो मैंने वापस जो को कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 20 डेज आई कैनॉट गिव राइट नाउ. एक महीने डेढ़ महीने बाद वापस जो का आया, देर इज अ रोल बट this time they want you to do it at any cost. अच्छा. अब कोरोना फैल चुका है वापस. हाँ. दूसरा कोरोना आया था और फ्लाइटें बंद है. हाँ हाँ हाँ. इंडोनेशिया जाने वाली कोई फ्लाइट नहीं है तो उसके लिए मुझे यहां से दुबई जाना पड़ेगा, फिर वहां से मुझे फ्लाइट लेनी पड़ेगी और वहां जाके 5 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा और फिर मैं काम करूंगा, ऐसा सिनारियो था. हाँ. बट वीजा कैसे मिलेगा, कोरोना में वीजा बंद. हाँ हाँ. इंडोनेशिया से जाने वाली सारी फ्लाइटें बंद. देव पटेल वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया. अच्छा. ही हैड एन इन्फ्लुएंस फ्रॉम वहां का राष्ट्रपति, वहां का प्रेसिडेंट. हाँ, प्रेसिडेंट. हाँ, वही होगा. हाँ जी, प्रेसिडेंट जो भी वो मेन पॉलिटिशियन होगा. हाँ, हाँ. उनके ऑफिस से मुझे वीजा आया. अच्छा. एंड आई वेंट देयर, आई डिड द कैरेक्टर इन अ हॉलीवुड फिल्म. बट अगेन द पॉइंट इज, हाँ जी, योर पीपल, हॉलीवुड पीपल, इफ दे वांट सम एक्टर, दे डू एनीथिंग फॉर दैट, दे वांट इट, डजंट मैटर हाउ ही बिहेव्स, वो कैसा मूर्ख है, गधा है, पर वो किरदार चाहिए. हमारे यहाँ वो थोड़ी सी समस्या है कि हम लोग तो स्टार... शूटिंग कहाँ किया था इंडोनेशिया में? इंडोनेशिया में हमने बाताम में किया था. अच्छा, अच्छा. There is an island called बाताम. हाँ 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 जी जी जी. हम बस लिसनर्स लोग को बतलाना चाहता है दो चीज जो इंडोनेशिया के बारे में बहुत मशहूर है. इंडोनेशियन करेंसी में जैसे रुपया नोट है उसमें गणेश का तस्वीर है. हाँ. और दूसरी चीज है,
आज का अभी राजपति नहीं है, एक दो पहले वाला राजपति जब हिंदुस्तान आया और दिल्ली में आया तो कहां से कोई हमको प्रकट करके उसको सामने में मिला दिया, कोई बात नहीं, क्या बात। लेकिन उनके साथ में जो है बिजनेस ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडोनेशिया का, वो एक हिंदुस्तानी था, तो उनसे हम बात करने लगा, वो सिंधी था, पांच पीढ़ी से वो इंडोनेशिया में रहा, फिर भी वो सिंधी और हिंदी उसको आता था, कमाल था आदमी था। इंडोनेशिया में बहुत इंडियंस है और वो हमारा हमसे ज्यादा कल्चर जानते हैं। बहुत और मंदिर भी है पुराना वाला, बहुत सुंदर, बहुत सारे हैं। हाँ जी जी, बाली आप चले जाओ, बाली में तो मतलब बड़े बड़े मंदिर है। नहीं, बाली ऑस्ट्रेलिया से हम कुछ नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि पूरा विश्व में बाकी लोग हम लोग को गाली देता है, क्योंकि जब वो बाली जाता है वहां इतना ऑस्ट्रेलियंस रहता है, उनको लगता है कि इंडोनेशिया में पहुंचा नहीं है वो, ऑस्ट्रेलिया को कोई जगह में पहुंच गया है, तो हम लोग को बहुत डांट पड़ता है इसके बारे में। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न मेरा मन में आ गया जो मैं आपसे पूछना चाहता था, जो थोड़ा सा सीरियस है लेकिन मुझे लगता है लोग जानना चाहता है। आपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु फिल्म्स में काम किया है, अभी आपने अंग्रेज लोग के बारे में और विदेशी लोग का जो कास्टिंग और शूटिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताया, तो बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा ये जो तेलुगु और मराठी, वो हिंदी से कैसा अलग है उसकी इंडस्ट्री, एक दो शब्द या कहानी आप ला सकते तो बहुत बढ़िया होगा। सर क्या है, हिंदी सिनेमा बॉलीवुड, हाँ जी, इसका बेसिक फर्क ये है, हाँ हाँ, कि बॉलीवुड पूरे देश में है और हाँ, विदेश में जी, बॉलीवुड सिनेमा विदेश में भी रिलीज होता है और पूरे देश में रिलीज होता है। हाँ हाँ, साउथ इंडियन सिनेमा पूरा जो साउथ है, मतलब तेलुगु, तमिल, मलयालम, पूरे साउथ में रिलीज होता है। अगर आप तेलुगु में पिक्चर बनाओ तो बाकी लैंग्वेज में डब होके उधर रिलीज होता है। हाँ हाँ हाँ, मराठी जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में नजर आता है। अच्छा, तो अब आप स्केल स्केल को देखिए जी, बॉलीवुड जो पूरे भारत में रिलीज होता है, पूरे विश्व में रिलीज होता है, तेलुगु सिनेमा जो साउथ में रिलीज होता ही है, लेकिन बहुत सारे साउथ इंडियंस विदेशों में भी फैले हैं और भारत भर में भी फैले, तो वो भी देखते हैं, लेकिन मराठी सिनेमा की रीच जो है वो बहुत कम है। अच्छा, तो इस रीच की वजह से उनके बजट पे फर्क पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, है ना, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, एकदम एकदम समझ गया। तो बजट पे फर्क पड़ता है, तो चूंकि मराठी सिनेमा का बजट कम होता है और मराठी सिनेमा का ग्रैंडर कम होता है, आपने मेरी एक मराठी फिल्म देखी है, तो ये एक बेसिक फर्क है जी, जो बजट से लेके सारी चीजों को अप्लाई होता है। अच्छा, अब दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट मैं आपको बताऊं, साउथ इंडिया में अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो उसके चेहरे पे, किसी भी आदमी से आप हिंदी में कोई प्रश्न पूछे तो उसके चेहरे पे प्रश्न चिन्ह होता है कि भाई आपने क्या बोला, क्योंकि उसको भाषा समझ में नहीं आती, उसको उसी की भाषा समझ में आती है, मतलब अगर वो तेलुगु है या तमिल है या मलयाली है तो वही भाषा उसे समझ में आती है। हिंदी, भारत में कहीं भी आप हिंदी का उच्चारण कीजिए तो सामने से जवाब हिंदी में आएगा। वैसे ही महाराष्ट्र में आप किसी भी गांव में या कस्बे में जाइए, छोटे से गांव में जाइए, उसको हिंदी में प्रश्न पूछिए कि भाई ये मंदिर कहाँ है, तो कहेगा इकड़ून तिकड़े जा या रस्ते जा तुम्हारा मंदिर सापड़े, वो जवाब मराठी में देगा लेकिन उसको हिंदी समझ में आएगी। ये बहुत बड़ा फर्क क्या है, सही बात, एक थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है मान लीजिए, जहां पर बॉलीवुड की 100 करोड़ की फिल्म लगी है, साउथ इंडिया की 100 करोड़ की फिल्म लगी है, और एक मराठी फिल्म लगी है जिसका बजट 1 करोड़ है। अब आपको हिंदी समझ में आती है एज अ महाराष्ट्रियन, तो आप 100 करोड़ की फिल्म देखोगे या 1 करोड़ की फिल्म देखोगे,
तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अच्छा अच्छा ये एक बेसिक उसके कारण है जिसकी वजह से मराठी सिनेमा पहुंच नहीं पाता या फिर उस तरह से बन नहीं पाता। तो ये तीनों लैंग्वेज में ये फर्क है। और साउथ इंडिया में सिनेमा का कल्चर इतना बड़ा है जी, मतलब एक्टरों के मंदिर हैं साउथ साउथ इंडिया में एक्टरों के मंदिर बने हैं, मतलब रजनीकांत जी वहां पर भगवान है ना। तो ये जो आस्था है सिनेमा के प्रति, ये आस्था चूंकि यहाँ वैसा नहीं है महाराष्ट्र में जी, तो ये फर्क ये तीन चीजों में बड़ा, ये इस तरह का ये बड़ा कल्चरल फर्क भी है। ये दो तीन चीजें हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं तीनों सिनेमास को जी। बहुत बड़े आप जो भी टॉपिक बोलते हैं उसके बारे में 100 सवाल आता है दिमाग में कि आपसे पूछ ले लेकिन एक सवाल जो पहले से था जो पूछना चाहूंगा ये कि आपने इतने सारे एक्टिंग किए हैं फिल्म और टेलीविजन में, और आपकी जर्नी ने आपको डायरेक्टिंग में भी लेके गए हैं, तो थोड़ा डायरेक्टिंग के बारे में भी थोड़ा बताइए कि आपने डायरेक्शन कहाँ से शुरू किए, क्या आपने थिएटर से पहले शुरू की थी कि डायरेक्टली आप मूवीज में, और इंस्पिरेशन क्या था कि आपने एक्टर के अलावा आपने डायरेक्टर पे भी गए थे। बीइंग एन एक्टर, एक्टर होने की वजह से मैं, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, सिनेमा देखना बहुत पसंद था। तो जब मैं स्ट्रगलर था या फिर एक्टर बनना चाहता था उस जमाने में, मुझे हमारे यहाँ अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि आपका फिल्म बाजार है वहां पे इफी होता है गोवा में, आपको पता होगा चार्ल्स जी, तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं विच यू नो, तो उस समय भी बहुत होते थे। तो मैं जेब में पैसे नहीं होते थे लेकिन कर्जा लेके त्रिवेंद्रम चला गया, कर्नाटक चला गया, खजुराहो चला गया, मतलब अलग अलग जगहों पे जाके ये फिल्म फेस्टिवल अटेंड करता था और दुनिया भर का सिनेमा देखने में मुझे बड़ा मजा आता था। समझ में इस सिनेमा बना कैसे ये मालूम नहीं होता था, लेकिन उसके एस्थेटिक्स, उसका बनाने का तरीका, उनकी कहानियां, उनका प्रेजेंटेशन, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मैंने कुरोसावा की सारी फिल्में देख चुका हूँ, फेलिनी की सारी फिल्में देख चुका हूँ, तो उस तरह के जो उस जमाने के बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे उनकी सारी फिल्में देख चुका हूँ। और उसके बाद मैं एक्टर बना और एक्टर एक्टिंग करने लगा, फिल्मों में काम करने लगा। तो मैं, मेरा हमेशा ये रहा कि मैं चिकित्सक बहुत हूँ, चिकित्सक यानी कि हर चीज में इंटरेस्ट लेने वाला, क्यूरियस है ना, वेरी क्यूरियस मैन। सो मैं किसी भी शूटिंग में जाऊं तो मेरा शॉट होने के बाद मैं वैनिटी में जाके नहीं बैठता था, मैं कैमरामैन के पास खड़ा हो जाता था, पूछता था अब ये कौन सा लेंस लगाया है, वो लाइट का सोर्स इस तरह से इतना हार्ड क्यों है, ये कैमरा पोजीशन ऐसे क्यों लगाई है। तो कुछ लोग जवाब देते थे, कुछ लोग चिढ़ जाते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान करता था, लेकिन मैंने अपनी ये आदत छोड़ी नहीं। फिर हुआ ये कि मेरे दो तीन दोस्त हैं जो कि उस समय और आज भी हैं, बड़े स्टार थे मराठी के, और चूंकि अच्छे जिगरी दोस्त हैं, तो हमने सोचा कि यार चलो हम अपने अपने मन की फिल्म बनाते हैं जो हमें लगती है कि ये ऐसी इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए। तो हमने उस पे काम शुरू किया, एक कहानी बनी, फिर ऐसा लगा कि यार ये फिल्म बना के तो हम डूब जाएंगे क्योंकि ये फिल्म कोई देखेगा नहीं, तो एक सोचते हैं कि कमर्शियल फिल्म भी बना ले। तो फिर हमने एक कमर्शियल कहानी भी सोची। तो दो कहानियां थी, एक था पॉलिटिकल सटायर जो कि कमर्शियल था, और दूसरा था फार्मर्स सोसाइटी पे, किसान की आत्महत्या पर। हमारे यहाँ बहुत किसान आत्महत्या करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, खैर उसमें नहीं जाते हैं। हमने अब डायरेक्ट कौन करेगा, अब चूंकि ये मेरे दोस्त बहुत पुराने थे और जब भी सिनेमा का विषय आया तो मेरा नॉलेज बहुत, मैं बहुत सारी बातें करूं, मैं बहुत सारी फिल्मों के नाम गिन लूं, मैं कैसे वो उन्होंने कैसे शूट किया और वो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी बातें बोलूं।
हाँ जी तो दो तीन डायरेक्टर्स हमने ट्राई किए लेकिन मजा नहीं आया। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तू साला इतना बोलता है, साले हमारे कान पक जाते हैं, तू डायरेक्ट कर ले। अब चूंकि डायरेक्ट करने का मन तो वर्षों से रहा, हाँ तो मैंने कहा कि हाँ मैं करता हूं लेकिन तुम लोग को साथ देना पड़ेगा। सो आई मेड ऑन माई डेब्यू दो फिल्में एक साथ, जी मतलब शायद दुनिया में ऐसा कोई डायरेक्टर हो या ना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसने दो फिल्में एक साथ, रोज दोनों फिल्मों की शूटिंग, एक पॉलिटिकल सटायर वेरी कमर्शियल वेरी कॉमेडी एंड हाँ दूसरी एक बड़ी सीरियस हाँ कहानी, जी ऐसी हाँ दोनों फिल्में एक साथ मेरे डेब्यू पे बनाई जस्ट हाँ बिकॉज ऑफ माई इंस्टिंक्ट्स और जी जो भी नॉलेज मैंने एक्वायर किया पूछ के या देख के। तो इस तरह से मेरा जो है डायरेक्शन का प्रवास या सफर या जिसको आप जर्नी कहेंगे वो शुरू हुआ। जी ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मुझे नहीं पता था कि दोनों आप साथ साथ ही बना रहे थे। तो कैसे आप कुछ घंटे उसको शूट कर रहे थे, फिर जाके उस दूसरे को, कैसे आप टाइम कैसे मैनेज करते थे? वो कैसे मैनेज किया ये मत पूछिए क्योंकि अब मैं जिंदगी में दो फिल्में एक साथ नहीं बनाऊंगा। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्ट्रेस्ड स्ट्रेस वाला काम था, बट आई कुड मैनेज्ड बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स एंड टीम। सो दोनों फिल्मों के नाम मैं आपको बता सकता हूं, एक है जी गल्लित गोंधड़ दिल्लित मुजरा और दूसरी है कोस्ट छूटी डोंगरा एवड़ी, जिसको प्रेसिडेंट ने देखा। उस समय प्रतिभा ताई पाटिल प्रेसिडेंट थी, उन्होंने हाँ देखा और बहुत सराहा और मुझे नवाजा। सो आई वॉज हैप्पी विद दैट। बहुत नागेश बढ़िया। जी, वो दोनों फिल्म में भी आपने एक्टिंग भी किया था ना? जी हाँ, उसमें हाँ, तीन मेन ये भी कैरेक्टर थे बाकी के दो और मैं। सो इट वाज ऑलमोस्ट मेजर कैरेक्टर इन बोथ द फिल्म्स। हाँ एकदम हमको याद है, दोनों फिल्म में देखा, दोनों बड़ा अच्छा लगा और आपका एक्टिंग कमाल था, आप डायरेक्शन भी किया था, वो मुझे ठीक से याद नहीं था, लेकिन हाँ एक्टिंग किया था। वाह क्या बात और है, एक वाह फिल्म में मैंने गाना भी गाया था। अच्छा, अच्छा हाँ क्या डबिंग बात, नहीं किया था, खुद गाना गाया था आप? मैंने खुद गाया था, और खुद गाया था, वाह क्या बात, क्या मतलब बात, रिकॉर्ड करके फिर देन हाँ हाँ पिक्चराइज किया। हाँ 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 वो तो। और इससे सवाल ये भी आता है कि आपकी जो फ्यूचर और आगे कुछ सालों में है आपकी, क्या आपने सब कुछ किया है, आपने एक्टिंग डायरेक्टिंग प्रोड्यूसिंग भी थोड़ा किया आपने, तो सबसे कौन सी रोल आपको पसंद है, और क्या अगले प्रोजेक्ट्स हम आपसे क्या देखने वाले हैं आपसे? बेसिकली तो मैं एक्टर हूँ तो मुझे अभिनय पसंद है, लेकिन इसमें इन दोनों तीनों चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि डायरेक्टर का काम ही अलग है और जी उसकी जिम्मेदारियां अलग है और उस इट्स इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर। सो यू कैन नॉट कंपेयर एन एक्टर विथ अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का अपना एक अलग स्ट्रेस है, उसका एक अलग फंडा है, वो अपने अलग उधेड़ बुन में रहता है कि पैसा कितना लगेगा, इतना क्यों लग रहा है, कैसे मैनेज करूंगा। और उन तीनों चीजों में अलग-अलग बिहेवियर काम आता है। एज एन एक्टर यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, एज एन डायरेक्टर आपको पूरी पिक्चर दिख रही होती है। मैं मजे की एक बात बताता हूं, जब मैंने अपनी दोनों फिल्में डायरेक्ट की उसके बाद मैंने ये तय किया कि मैं जब भी एक्टिंग करूंगा किसी दूसरे की फिल्म में मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ पूछूंगा हाँ क्या करना है बोलिए बस। क्योंकि मुझे समझ में आया जब मैं डायरेक्ट कर रहा था, एक्टर लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो वो एक्टर आएगा कहेगा कि तो मैं इस तरफ से आ जाऊं, अबे तू उस तरफ से क्यों आएगा भाई, मैंने डिसाइड किया है कि तू इस तरफ से आएगा, है ना। तो वो डायरेक्टर को बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन होता क्या है कि डायरेक्टर को पूरी कहानी पता होती है, ही नोज मोर देन एन एक्टर। एक्टर थिंक्स
कई बार एक्टर पूरी पूरी फिल्म के बारे में भी सोचते हैं, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ऐसे भी एक्टर अच्छे वाले हैं, लेकिन जो डायरेक्टर सोच रहा है वो एक्टर नहीं सोच सकता. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं दूसरी फिल्म में जब अभिनय कर रहा हूँ मैं कोई सवाल नहीं करूंगा. तो दीज आर टू डिफरेंट पीपल, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. और रहा सवाल आगे का, तो आपको करना तो बहुत कुछ है जीवन में, बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, उसको लगने वाला फंड, वो सारा, यहाँ का जो सिनारियो है थोड़ा सा अजीब है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो कोई आपकी कहानी को, किसी को अच्छी लगेगी किसी को नहीं लगेगी, और जो कहानी आप बनाना चाहते हैं वो मार्केट नहीं देखना चाहता, उसमें बहुत सारी इश्यूज हैं. तो हम लोग लगे हुए रहते हैं कि भाई कुछ करें, कुछ हो जाता है तो बना लेते हैं, और कुछ नहीं होता तो लगे हुए रहते हैं. क्या बात है, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी भी है ना आपकी कुछ? जी हाँ, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है अजना मोशन पिक्चर्स. अच्छा, जिसके अंडर मैं फिल्में, मैंने 2-3 फिल्में बनाई हैं. जी जी जी, बहुत अच्छी है जी. ये आपने जो डिफरेंशिएशन बोला बहुत अच्छा सा बोला है, और जो अपने ऑडियंस जो देखते हैं, जो जवान लोग हैं आपको देखते हैं और पसंद भी करते हैं, शायद ये जानना चाहेंगे कि कुछ टिप्स उनके लिए क्या है अगर वो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, कोई रीजन से हैं जैसे रीजनल सिनेमा से आते हैं और आपको देख के इंस्पायर होते हैं, तो कुछ टिप्स की वो जब इस पैथ में उन्होंने अभी शुरू किया है, क्या क्या क्वालिटीज उनको उनमें होना चाहिए कि सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहे? सक्सेस बड़ा सब्जेक्टिव है. सक्सेस को ढूंढोगे, सफलता को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता आती है. वो कैसे कहां से आती है आपको पता नहीं होता, क्योंकि अगर कोई आदमी इस दुनिया में ऐसा पैदा हो जाए कि जिसको ये मालूम है, जो ये बता सके कि ये फिल्म चलेगी, तो इंडस्ट्री का सिनारियो बदल जाएगा. आपको पता ही नहीं है कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी डूबेगी. आप चाहे जितना अच्छा बना ले या बुरा बना ले, ये एक. दूसरा, अगर आपको एक्टर बनना है तो आप कितने अच्छे अभिनेता हैं या नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन अगर आप में कंसिस्टेंसी, मतलब करते रहने की क्षमता, कोई भी काम, ऑनेस्टी, अगर प्रामाणिकता आपके अंदर नहीं है, और फोकस अगर आपका नहीं है, तो आप कभी, अभी हमारे यहाँ तो कोई भी एक्टर बन जाता है क्योंकि इतना सॉफ्टवेयर बन रहा है कि हजारों सीरियलें बन रही हैं, हजारों फिल्में बन रही हैं, तो काम तो मिल जाएगा. लेकिन अगर आपको लंबा चलना है, अच्छा काम करना है, तो कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी एंड फोकस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत इंस्पिरेशनल. चार्ल्स, आपकी कुछ कंक्लूसिव क्वेश्चंस, सवाले तो बहुत हैं. आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दास्तानों की खजाना हैं, आपसे बहुत सवाल हम कर सकते हैं और ये बहुत पूरा दिन तक चल सकता है. हिंदी में एक शब्द है, जीवनानुभव. जीवन के अनुभव, जीवन आपको सब सिखाता है. आपको आपकी सारी परिस्थितियां, जो अच्छी बुरी, चढ़ाव उतार, ऊंच नीच, जितना आपके जीवन में आता है, अगर आप स्टूडेंट हैं जीवन के, तो शायद आप थोड़ा सीख पाएंगे. तो स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा बोला आप. मैं बस इतना बोलेंगे कि आपको तो मालूम है कि मैं हिंदी भाषा का प्रेमी हूँ, और मुझे बहुत खुश है, बहुत बड़े, हमारे से ज्यादा आपको हिंदी पे प्रेम है. नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुश है कि आप इस समय में जब हम लोग से बातचीत कर रहा है,
कहाँ कहाँ अच्छा अच्छा हिंदी शब्द हम लोग को भी सिखला रहा है और बोलते जा रहा है, क्योंकि एक ये हो गया ना कि लोग दिखाने के लिए अंग्रेजी डालता रहता है डालता रहता है डालता रहता है, और कभी कभी अचानक में कहा हिंदी शब्द, तो ये बस हमको बड़ा अच्छा लगा, हमको और कुछ बोलना नहीं, बस सुना बड़ा अच्छा लगा, और जरूर जब आएंगे हिंदुस्तान आपसे जरूर मिलेंगे, वो तो निश्चित। प्लीज, मुझे तो हमेशा आपसे मिलने में हमेशा आनंद मिला है। आप भी आइए सर। आएंगे आएंगे, अभी तो जी जी हम भी दोनों ही इंडिया के प्रीमे हैं और बहुत चाहते हैं कि आए, और होपफुली जब आए आपसे मिलेंगे और आप भी आएंगे यहाँ पे लॉस एंजलिस और सिडनी। चार्ल्स ने मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया है, मैं आपको बता नहीं सकता। चार्ल्स हैज डन सो मच फॉर मी। अरे क्या बात है। सो थैंक यू टू यू चार्ल्स। ठीक है, धन्यवाद। वो उसका गारंटी मेरे साथ नहीं है, शायद मैं पहले आदमी होऊंगा जो अच्छा नहीं होऊंगा जो आपसे आपसे मिलाया नहीं है। नहीं सर, आपसे बात करके मुझे मालूम है। नहीं, आप भी है ना। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू नागेश जी, बहुत ही खुशी हुई आपसे बातें करते हुए, और होपफुली हमारे ऑडियंस को भी आपकी किस्से और आपकी स्टोरी अच्छे लगे होंगे। तो चलो, अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है चार्ल्स, मैं हमेशा चार्ल्स को चांस देता हूं, क्योंकि बाद में मेरे को बोलता है कि नहीं मेरा एक क्वेश्चन रह गया है। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत रह गया। बहुत थैंक यू, आनंद आया आपसे मिलकर। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा दोस्तों, आप सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरीज और किस्से सुनेंगे। थैंक यू फिर से नागेश जी, टेक केयर। थैंक यू, धन्यवाद नागेश जी।